इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा में प्रसिद्ध डॉक्टर में से एक गुंजन शुक्ला के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। जी हां, एक साथ गुंजन शुक्ला के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर सरकार अलर्ट मूड पर है। सरकार के तरफ से इसको लेकर आयकर विभाग को आदेश दिया गया कि किसी भी तरह से सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसके बाद अब दरभंगा के मशहूर डॉक्टर दंपति डॉक्टर मृदुल शुक्ला और उसकी पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी चल रही है। इधर इनकम टैक्स की टीम द्वारा दंपति के हॉस्पिटल रिजोर्ट के अलावा झंझारपुर स्थित उनके पृथक आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के दिग्गी स्थित आईवी स्मृति आरोग्य सदन हॉस्पिटल दलान रिजोर्ट के अलावा आयकर विभाग की एक टीम झंझारपुर के स्थित दंपति के पृथक आवास पर भी कार्रवाई के लिए पहुंची है। वहीं दरभंगा में 12 गाड़ियां और उनके पृथक आवास पर 3 गाड़ियां से आयकर विभाग की टीम सुबह 9 बजे से एक साथ पहुंची है। बताया जा रहा है कि दरभंगा में छापेमारी कर रही टीम 2 दर्जन से अधिक जन अधिकारी है। इस दौरान किसी को भी बाहर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मालूम हो कि दरभंगा के मशहूर डॉक्टर मृदुल शुक्ला दरभंगा के प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर दंपति का दरभंगा के दिग्गी में आईवी शुक्ला सेवा सदन नामक हॉस्पिटल है। दरभंगा के सुनकी पथ पर दलान रिजोर्ट भी है। वहीं इसके अलावा मधुबनी जिला स्थित झंझारपुर आरएस के बेहद दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित डॉक्टर मृदुल शुक्ला के पिता के संयुक्त मकान में छापेमारी चल रही है। क्या हुआ ये? क्या हुआ?